का शुभारंभ केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने किया। 3 दिनों तक चलने वाले लिट फेस्ट में 30 से अधिक सत्र होंगे। उत्तराखंड के साथ साथ देश भर के प्रख्यात लेखक, पर्यावरणविद और इतिहासकार इसमें शामिल होंगे। साथ ही रचनात्मक लेखन, कला एवं संरक्षण, लोक कला और फोटोग्राफी की कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाएगा। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। जिस प्रकार से पूरे कुमाऊं के अंदर अल्मोड़ा का इतिहास रहा है और ये इतिहास कुमाऊं की राजधानी के रूप में और ये जिस स्थान में ये हो रहा है ये एक ऐतिहासिक स्थान है। कभी इस मल्ला महल से पूरे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, ये सारा कुमाऊं का जो क्षेत्र है उसमें नैनीताल, उधम सिंह नगर, उन सब व्यवस्थाओं को चलाने के लिए इस मल्ला महल में जो व्यवस्थाएं रहती थी उन व्यवस्थाओं के अनुसार संचालित होता था और इसी को आधार मानते हुए अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल 2024 का जो आयोजन किया जा रहा है ये अल्मोड़ा के उस सांस्कृतिक, उस ऐतिहासिक, उस जो धरोहर हम सबके बीच में है उसको सजोने का ये काम है। अपने आप में ये अभिनव प्रयास है।